मैं खुद आ रहा था तेरे को लेने, पर इधर अचानक कुछ काम आ गया। नहीं कोई बात नहीं, कल परसों मिलते हैं। हाँ कैसे चल रहा है सब यहाँ? क्या कैसा चल रहा है, वो लफड़ा इधर सब कुछ हिला के रख दिया, सब ये बाजू या वो बाजू, पुलिस कस्टम सब बच गए। ऐसा लगता है साला किसी ने तलवार लेके पूरे धंधे को बीचों बीच काट दिया। उधर बिजनेस वालों ने अलग रोना शुरू कर दिया कि पहले एक को देना पड़ता था, अभी दो दो जगह देना पड़ रहा है। कुछ भी नहीं छोड़ा साला ये खंटाल। अब मेरी पिक्चर को ही लो, वो साला हीरो कहता है कि यादव ने मेरी पिक्चर करने से उसे मना किया है। मैंने भी बोल दिया साले को कि कल सुबह 9 बजे तक मैं शूटिंग पे नहीं आया तो 2 बजे मैं उसका शूट कर दूंगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? What do you mean क्या कर सकते हैं? आप रोके ना उन्हें। कैसे? वो तो इंडिया से बाहर है। सर कुछ तो कीजिए। वो दूसरे दोस्त है ना आपका मलिक, उसी से सिक्योरिटी क्यों नहीं मांग लेते? देखिए मैं एक फिल्म स्टार हूँ, रोज मुझे 100 लोग मिलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी उन सबसे दोस्ती है। हो सकता है मलिक को यूं ही कभी कभार हेलो हाय कह दिया हो। 42 चेप है तेरे और उसके हेलो हाय के मेरे पास, सुनेगा? अब तो समझ, शाम की दोस्ती जब तक है तब तक है। सावन, साहब की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो। यस सर। सर मैंने सुना कि पुलिस आपको अरेस्ट करने वाली है। नहीं ये बिल्कुल गलत है, कहां से आपको ये न्यूज मिली? पुलिस वेलफेयर फंड के लिए बात करने आया हूँ। पुलिस के पास क्यों गया था और मैं क्या करूँ? आपके यहाँ से यादव कहता है कि शूटिंग पे नहीं जाने का, और यहाँ ये अकरम कह रहा है अगर मैं शूटिंग पे नहीं आया तो मुझे टपका डालेगा। अभी आप ही बताओ मलिक भाई मैं क्या करूँ? देख तू मेरा दोस्त है, मैं सब संभालूंगा। अरे चंदू भाई क्या मतलब, कुछ मत करो, इधर क्लाइमेक्स का सेट लगा है, रिलीज करने का डेट तक अनाउंस कर चुके हैं और वो साला बोलता है कि शूटिंग पे नहीं आएगा और तुम बोलते हो कुछ मत करो। अकरम तू मेरी बात सुन, देखो नावेद खान भी बेचारा फंसा हुआ है, वो लोग उधर से भी उसको पट्टी बढ़ा रहे ना। तू एक काम कर, तू ये वाली शूटिंग कैंसिल कर दे और रिलीज की डेट भी आगे कर दे, अपन बाद में देख लेंगे। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। लेकिन चल अकरम को काहे को मारा यार? चंदू मेरी बात सुन, फिल्म स्टार नावेद खान को मारना अपने को बहुत खराब पब्लिसिटी देगा। वैसे भी अकरम के जाने के बाद श्रीनिवासन ने उसकी सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी है कि काम बहुत मुश्किल हो गया है। अबे कसी है क्या तू? हाँ? साला मेरे को बहाना मत दे, अभी बताने का वो लोगों को समझा? अभी बस। अरे नावेद मरने वाला है, बस थोड़ी सी सिक्योरिटी ढीली होने दे, अपने को भी कोई नुकसान नहीं होना मांगता ना। कड़ा वो लोकन वाला मैं है ना जो मालिक को सामान बेचता है, लतीफ। बेवकूफी की बात मत कर, लतीफ मलिक का रिश्ता मालूम होते हुए भी मैं क्यों मारूंगा उसे? और मैं एक ही आदमी है उसका इधर। 50 लोग काम करते हैं चंदू के नीचे मुंबई में। कृष्णन हमसे झूठ नहीं बोल सकता। चलो कोई भी मारा हो, इसके पीछे है चंदू ही। लतीफ के भाई से बात की? हाँ मलिक भाई। मलिक भाई अभी 2 साल पहले शादी हुई थी उसकी, 6 महीने का बच्चा है उसको। वो चंदू का पंटर है ना वर्सोवा में, क्या नाम है उसका? रवि। कौन सा सामन? अबे साले वो वाला नहीं, परेल वाले को मार रहा था। ये तावड़े उधर चेक किया क्या? तू अभी मेरा दिमाग मत खराब करा। पर साला है कौन वो? उड़ा दे साला चारों को।
अरे नहीं नहीं, मैंने हॉस्पिटल से पता किया, फिकर मत कर, 4-5 घंटे में जाएगा वो। एक बार फिर सोच ले। हाँ साले, को कितनी बार बोला मैं थोड़ा टाइम छिप जा करके, अभी क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारा है यार, कोई कुछ भी कहे, पर उनमें से हर आदमी अंडरवर्ल्ड से कोई ना कोई कनेक्शन था। मलिक, लड़ाइयां हमने भी लड़ी, लेकिन धंधे की लाश पर नहीं। एक दूसरे को खत्म करने के चक्कर में तुम पूरे घर को गाड़ रहे हो, बच्चों के सर पर मौत का डर बैठ गया है। या तो वो तुम दोनों के बीच रगड़े जा रहे हैं, या पुलिस उन्हें उड़ा रही है। मलिक, ये सब कब खत्म होगा? कल चंदू का पता चल गया है।